हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। एंड गाइस, इससे पहले मैंने इसका एक और लेक्चर लिया था जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस देखे थे। और इसके अलावा मैंने रेनफेड एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक और कंस्टेंट्स को समझाया था। एंड फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ सोइल इन रेनफेड एरियाज एंड क्लाइमेटिक स्टडीज ऑफ रेनफेड एरियाज। सो बिफोर वी स्टार्ट, वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। सो गो एग्रो की एक ऐप लॉन्च हुई है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप अपने मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल से उसे लॉगिन कर सकते हैं, जिसपे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी सेमेस्टर के नोट्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर एंड मैनुअल्स मिल जाएंगे। और इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। So let's start our lecture. The first topic is different types of soils in rainfed areas. इसमें हम अलग अलग soils के बारे में पढ़ेंगे जो rainfed areas में use करते हैं। First type of soil है alfi soils. Alfi soils को हम red soil भी बोलते हैं। Alfi soil के कुछ characters होते हैं, जैसे कि ये soil light textured होती है। और second कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बट हाई वाटर इंटेक होता है, मींस मैक्सिमम वाटर इसके अंदर इनफिल्टर हो जाता है और वाटर होल्डिंग करने की कैपेसिटी इसकी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द सॉइल वाटर परकोलेशन इज मोर एंड देयरफॉर इज लॉस्ट फॉर क्रॉप यूज, मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें परकोलेट हो जाता है, मींस इनफिल्टर हो जाता है एंड वो वाटर क्रॉप यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जब रेड सॉइल पर रेनफॉल होती है तब मोस्ट ऑफ वाटर सॉइल में परकोलेट हो जाता है, और क्योंकि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है इसीलिए सॉइल ड्राई रहती है। ओइंग नेक्स्ट पॉइंट है ओइंग टू फास्टर इनटेक ऑफ वाटर इन द प्रोफाइल द सर्फेस रन ऑफ इज लिमिटेड एंड सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन इज लो। रेड सॉइल में सॉइल इरोजन ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ रेन वाटर सॉइल में परकोलेट हो जाता है और बहुत कम रेन वाटर होता है जो रन ऑफ होता है और वो सॉइल इरोजन करता है। रेड सॉइल में क्रॉप प्रोडक्शन करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है समझते हैं। फर्स्ट है पुअर क्रॉप स्टैंड ड्यू टू क्रस्टिंग एंड रैपिड ड्राइंग ऑफ सर्फेस। रेड सॉइल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है इसीलिए सॉइल ड्राई रहती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स की रूट सॉइल को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पुअर क्रॉप ग्रोथ ड्यू टू अनरिलायबल मॉइस्चर सप्लाई, लो मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू शैलो डेप्थ एंड ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप सीजन। लो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से क्रॉप ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है और सॉइल ड्राई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है लो सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू लो ऑर्गेनिक मैटर पुअर न्यूट्रिएंट स्टेटस पर्टिकुलरली विथ रेस्पेक्ट ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। एल्फीसोल सॉइल में फर्टिलिटी कम होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर एंड कैल्शियम और कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स का अमाउंट इसमें कम प्रेजेंट होता है क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल इरोजन की वजह से डिग्रेड हो जाते हैं। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्रॉप ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल। द सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज वर्टिसोल्स, जिसे हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। वर्टिसोल सॉइल में क्ले कंटेंट हाई रहता है और मॉइस्चर रिटेंशन मींस मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी हाई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है
वर्टिसोल सॉइल सेपरेट की एबिलिटी होती है कि वो स्वेल एंड श्रिंक करते हैं, इसीलिए सॉइल की मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड कर लेते हैं और वाटर इनफिल्टर कम होता है, मींस वाटर ज़्यादा सॉइल के अंदर तक नहीं जाता है जबकि पार्टिकल्स वाटर को सरफेस पर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, वर्टिसोल सॉइल में सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, सॉइल की अपर लेयर वाटर के साथ फ्लो करके कहीं और जाकर डिपॉजिट होती है और इसी वजह से सॉइल इरोजन होता है। फोर्थ पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 68.5 टन पर हेक्टेयर पर ईयर सॉइल इज लॉस्ट फ्रॉम वर्टिसोल सॉइल। सो सॉइल इरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल का लॉस हो जाता है। वर्टिसोल सॉइल में क्रॉप प्रोडक्शन करने की कुछ लिमिटेशन होती है। फर्स्ट है नैरोइंग ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट फॉर टीलेज, मींस वर्टिसोल सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा होता है इसीलिए इसमें टीलेज प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाती है। सेकेंड लिमिटेशन है हाई वाटर कंटेंट की वजह से वर्टिसोल सॉइल में वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, मींस वाटर फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा फील्ड में भर जाता है जिसे सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो वाटर सरफेस पर ही रह जाता है और बाद में वो अल्कोहल जैसा स्मेल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस टाइप के सॉइल में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। फिफ्थ पॉइंट है, सॉइल इरोजन की वजह से एंड वाटर लॉगिंग से वर्टिसोल सॉइल में लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉल्ट एक्यूमुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती है, मींस जब वाटर लॉगिंग होती है, वाटर जब फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा भर जाता है तब उसमें सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिसोल सॉइल। द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज इंसेप्टिसोल्स एंड एंटीसोल्स, इसे हम एल्यूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। एंटीसोल सॉइल्स जनरली लोमी सैंडी सॉइल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटीसोल सॉइल का क्ले कंटेंट वेरी लो होता है, न्यूट्रिएंट्स होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है, मींस सॉइल ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं करता है एंड इसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। थर्ड पॉइंट है, एंटीसोल सॉइल में क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट करना एल्फीसोल सॉइल और वर्टिसोल सॉइल से बेटर होता है क्योंकि इस सॉइल की कंडीशन इन दोनों सॉइल से बेटर होती है। फोर्थ पॉइंट इज, सॉइल इरोजन की वजह से एंटीसोल सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हो जाता है, इसीलिए सॉइल डिग्रेड हो जाती है। फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल इज सब माउंटेन सॉइल। सब माउंटेन सॉइल का टेक्सचर मीडियम होता है एंड क्ले कंटेंट भी मॉडरेट प्रेजेंट होता है, मींस क्ले कंटेंट एंटीसोल से बेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सब माउंटेन सॉइल में मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है, मींस सॉइल लार्ज अमाउंट में मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है 300 mm पर मीटर। थर्ड पॉइंट है, सब माउंटेन सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट पुअर होता है बट अदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जनरली हिली एरियाज में मिलती है जैसे कि कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न घाट ऑफ उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड असम में। नेक्स्ट पॉइंट है, लैटराइट सॉइल में हाई रेनफॉल की वजह से सॉइल में प्रेजेंट बेसिस वॉश हो जाते हैं एंड सॉइल में एसिडिक कंटेंट का अमाउंट बच जाता है जिससे सॉइल की लो पीएच रहती है कुछ 5 to 6 के अराउंड। थर्ड पॉइंट है, लैटराइट सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो होती है। फोर्थ कैरेक्टर है, लैटराइट सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट कम होता है और सॉइल नाइट्रोजन एंड K2O मींस डाइपोटेशियम ऑक्साइड डेफिशिएंट होती है। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन रेन फिट एग्रीकल्चर। इसके बाद अब इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक है क्लाइमेटिक स्टडीज ऑफ रेन फिट एरियाज।
जैसा कि हम जानते हैं, वेदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्रॉप यील्ड एंड क्रॉप ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसके अलावा क्लाइमेट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रिसिपिटेशन, टेम्परेचर, विंड्स, सोलर रेडिएशन, ड्यू, फॉग एंड फ्रॉस्ट। अब हम इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है प्रिसिपिटेशन। रेनफेड एरियाज में रेनफॉल के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अनसर्टेन एंड इरेक्टिक रेनफॉल। रेनफेड एरियाज में रेनफॉल इरेगुलर और अनइवन होती है, मींस रेन कभी भी आ सकती है और रेन कितने अमाउंट में आएगी उसका कोई फिक्स नहीं होता। सेकंड है रेन्स आर जनरली इनसफिशियंट एंड इनएडुकेट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, मेनली एरिड रीजन्स जहाँ पर बैरन लैंड होता है उस जगह पर रेनफॉल कम होती है और क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए इनफ वाटर नहीं मिलता है और ऐसी ज़मीन को बंजर भूमि कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर अनइवन। रेनफेड एरियाज में रेनफॉल की इंटेंसिटी अनइवन होती है, मींस किसी भी सीजन में कितनी रेनफॉल होगी वो एरिया टू एरिया और ईयर टू ईयर डिफर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल्स एंड ब्रेक्स। रेनफेड एरियाज में रेनफॉल इरेगुलर होती है, इसीलिए एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में ड्राई स्पेल्स मींस सूखा पड़ जाता है। सो अनइवन रेनफॉल की वजह से रेनफेड एरियाज को बहुत सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर भी हो जाता है। इसीलिए रेनफॉल एक मेन फैक्टर है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप ग्रोथ अफेक्ट होती है। आफ्टर दिस द सेकेंड क्लाइमेटिक फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरिएशन प्लांट की फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस को ग्रेटली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स में वाटर इंटेक कम हो जाता है और इसीलिए प्लांट्स ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स के अंदर। थर्ड पॉइंट है लो टेम्परेचर में रूट्स सॉइल वाटर को अच्छे से पकड़ी हुई होती है और इसीलिए प्लांट्स वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाई टेम्परेचर के टाइम में प्लांट्स में से क्लोरोफिल लॉस हो जाता है और इसकी वजह से क्लोरोसिस टाइप की डिजीज़ हो जाती है और लीव्स येलो दिखाई देती है। थर्ड क्लाइमेटिक फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ड्राईलैंड रीजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिड डे के टाइम पर हमेशा 20-30% कम ही रहती है, जबकि ह्यूमिड रीजन में ह्यूमिडिटी 60-70% प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जब हाई टेम्परेचर होता है तब लो ह्यूमिडिटी होती है एंड लो ह्यूमिडिटी की वजह से लीव से हाई ट्रांसपीरेशन होता है, मींस हैवी वाटर लॉस होता है एंड क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एंड क्रॉप्स को इनफ वाटर नहीं मिल पाता। थर्ड पॉइंट है जब एटमॉस्फेयर में हाई ह्यूमिडिटी होती है तब प्लांट्स में से पॉलिनेशन कम होता है, मींस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इसीलिए पॉलन्स एयर के साथ डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में डिजीजेस एंड इंसेक्ट पेस्ट के चांसेस हाई रहते हैं, क्योंकि हाई मॉइस्चर में प्लांट के पेस्ट और इंसेक्ट्स अच्छे से ग्रो करते हैं और ये प्लांट्स में डिजीजेस कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई एंड लो ह्यूमिडिटी कंडीशन अगर प्लांट्स में होती है तो क्रॉप यील्ड अच्छे से नहीं हो पाती है। मैक्सिमम क्रॉप यील्ड के लिए एनवायरनमेंट में मॉडरेट ह्यूमिडिटी ही प्रेजेंट होनी चाहिए। आफ्टर दिस द फोर्थ क्लाइमेटिक फैक्टर इज विंड। हाई विंड वेलोसिटी की वजह से एटमॉस्फेयर ड्राई रहता है एंड ट्रांसपीरेशन मींस लीव्स से वाटर लॉस भी हाई रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब हाई विंड फ्लो करती है तब
जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, मींस जिनका स्टेम वीक होता है, ऐसे प्लांट्स गिर जाते हैं हवा की वजह से, जिससे फार्मर्स का हैवी लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेस सॉइल इरोजन। जब हैवी विंड्स फ्लो करती है तब विंड्स सॉइल के अपर मोस्ट लेयर को कैरी कर लेती है और कहीं और जाकर उन्हें डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है और इसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब बारिश के साथ में हैवी विंड्स फ्लो करती है तब प्लांट्स उनकी जड़ें से निकल जाते हैं और उसे हम क्रॉप फेलियर कहते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को हैवी लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉट ड्राई विंड प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। फिफ्थ क्लाइमेटिक फैक्टर इज सोलर रेडिएशन। मोस्टली एरिड रीजन में डे के टाइम पर सन को डायरेक्टली रेडिएशंस अर्थ पर गिरती है, इसीलिए वहाँ पर एटमोसफियर ड्राई रहता है एंड लैंड वहाँ का बैरन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर एनर्जी प्लांट्स को दो नीड्स को फुलफिल करती है। फर्स्ट है लाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे प्लांट्स फूड बनाते हैं, एंड सेकंड है थर्मल कंडीशन, जो प्लांट्स की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाई सोलर एनर्जी से टेम्परेचर हाई रहता है एंड प्लांट्स में इवेपो ट्रांसपीरेशन रेट भी हाई रहती है, जिसकी वजह से प्लांट्स का मोस्ट ऑफ वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। सो दिस ऑल आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट रेनफिट एरियाज। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राई फार्मिंग एरियाज। ड्राई फार्मिंग एरियाज वो होते हैं जो पर ईयर 375 टू 1125 mm की रेनफॉल रिसीव करते हैं और ऐसे एरियाज मेनली रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इसमें इरिगेशन फैसिलिटी बहुत लिमिटेड ही होती है। इसके अलावा ऐसे एरियाज जो 375 mm से भी कम की रेनफॉल को रिसीव करते हैं उन्हें एरिड रीजन या फिर डेजर्ट रीजन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया में 128 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्हें ड्राईलैंड एरियाज में इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 25 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के हैं। इन एरियाज में रेनफॉल होती है 375 mm टू 750 mm पर एनम। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ रेनफेड एरियाज। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, गो एग्रो का ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर के नोट्स, मैनुअल एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। इसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पे भी आपको गो एग्रो नाम का ऐप मिल जाएगा। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।